रेटिनॉल अभी तक जी सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है और अभी रेटिनॉल बूस्टर्स के एडिशन की वजह से और भी ज़्यादा इफेक्टिव है। Since remotest antiquity, in the various climes and regions of the world, women of diverse civilizations have both pursued and used cosmetics in a means of beautifying themselves. An unblemished, youthful complexion has been one of the most sought-after prerequisites of physical magnificence. This relentless quest for eternal youth and beauty culminated in a breakthrough revelation in a specialized form of vitamin A. This extremely effective type of vitamin was named retinol and is now seen as the premier ingredient, resulting in younger, healthier looking skin. Through the use of retinol, women today have been given an age-defying skincare solution, one that is the perfect balance between unpredictable age-old ingredients and potentially harmful and costly surgeries. It may then seem that the once mythical fountain of youth has become not only a reality, but accessible too. Been long exploring the myth fountain of youth, trying to uncover the secret to anti-aging. The quest for truth in science has actually come close. Some years ago, diligent search yielded a major discovery: retinol, a highly effective form of vitamin A. When skin cells are stimulated by the use of retinol, they start to more closely resemble younger, healthier skin cells. Experts around the world are saying it is the best ingredient for juvenile looking skin. आपने हमने वर्कशॉप के आपके थोड़ी क्लिपिंग्स भी दिखाई है पीसी हाँ में आपने वर्कशॉप दी लोगों को जाके, तो खवातीन का कैसा रिस्पांस रहा? जी, दे जस्ट लव्ड इट, है ना? एंटायर एजिंग में तो हर बंदी इंटरेस्टेड होते हैं, बल्कि बंदे भी होते हैं भाई, लेकिन उसमें जो हम स्पेशल एम्फेसिस दे रही हूं, जो मैं जिसको एंडोर्स कर रही हूं, दैट इज रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल, ओके। और रेटिनॉल क्या चीज है? दैट इज अ विटामिन ए डेरिवेटिव। नाइट टाइम में आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है, दैट इज द रेटिनॉइड। इसमें एक तो रेटिनॉइड की हम बात कर रहे थे, जैसे सबसे उसमें तेज, सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन इज 1% रेटिनॉल क्रीम। रेटिनॉइड्स में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आते हैं, कुछ मेडिसिन की शक्ल में और कुछ क्रीम में। क्रीम में 1% रेटिनॉल। आपको देखना पड़ता है, पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, इसके ऊपर रिसर्च होती है। जैसे अभी जो अभी जिस पे हम बात करेंगे, जिस पे मैं बात करूँ अभी आज करने जाऊँगी, दैट इज़ रेटिनॉल। मैं उस पे क्यों फोकस करती हूँ? बिकॉज सबसे पहले ये कि मैं खुद यूज़ करती रही हूँ। मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ कि मैं खुद पिछले 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स। मेरे पेशेंट्स यूज़ कर रहे हैं, मेरे कॉलीग्स, पेपर्स, रिसर्च, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर अभी तक सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है, जिसने सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स दिए हैं। ऑयली स्किन वाले पेशेंट्स के लिए रेटिनॉल बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक तो वो उनके ऑयल प्रोडक्शन को कम करती है, नंबर टू उनके एक्नी ब्रेकआउट्स को इट कीप्स दैट एट बे, और तीसरा ये कि एंटी एजिंग तो वो करती ही करती है। इसके अंदर हम रेटिनॉल बूस्टर्स की बात भी करते जाएंगे कि रेटिनॉल का वही इफेक्ट लेने के लिए सना आपको एट टाइम्स, क्योंकि मैंने बताया कि अगर रेटिनॉल का आप इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लेना चाहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। जब कॉन्सेंट्रेशन आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो स्किन के ऊपर ड्राइनेस आने के चांसेस हैं, आपको ज़्यादा स्किन प्राइमिंग के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। इसी चीज़ को देखते हुए कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो नई टेक्नोलॉजी ले आए हैं रेटिनॉल बूस्टर्स की शक्ल में, कि अगर आप वो ऐड कर देते हैं
तो आप रेटिनॉल से वही वाला आप उससे इफेक्ट ले सकते हैं थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में. वेलकम बैक. इट इज रेटिनॉल, a derivative of vitamin A. Let's talk to someone who's really expert in it. Dr. Fazila is with us. Assalamu alaikum. Retinol kya hai? सबसे पहले तो ये है क्या? हाँ जी, रेटिनॉल जैसे आपने खुद बताया कि इट्स अ विटामिन ए डेरिवेटिव. अगर आप इसको एक थोड़े साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में देखें तो विटामिन ए डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम रेटिनॉइड्स है. और जब इसको आप मज़ीद आगे फर्दर देखें तो इसके डिफरेंट कैटेगरीज आ जाते हैं. उसके अंदर रेटिनॉल एक इन्ग्रीडियंट है, जैसे ट्रांस रेटिनोइक एसिड, कुछ दो तीन उसकी और फॉर्मुलेशंस हैं. इसी तरीके से रेटिनॉल इज़ अ रेटिनॉइड अलॉन्ग विद अदर्स एज वेल. क्योंकि जब मैंने कल भी हम बात कर रहे थे इसके लॉन्चिंग इवेंट, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीसी में, एंड यस उसके ऊपर मैंने एंटी एजिंग और खासतौर पर रेटिनॉल. अच्छा, विटामिन ए की क्या सिग्निफिकेंस है स्किन के लिए? देखिए सोनिया, अभी तक जितने भी एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स जिनके ऊपर रिसर्च हुई है उसके बीच में सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग इंग्रेडिएंट रेटिनॉल है. Retinol और रेटिनॉल एक रेटिनॉइड की एक एक किस्म है, एक टाइप है जो आपको आपके स्किन सेल टर्न ओवर में मदद देती है. रेटिनॉल अभी तक मोस्ट प्रॉमिसिंग इंग्रेडिएंट है क्योंकि कंज्यूमर्स के बीच में इसके सेटिस्फैक्शन रेट बहुत ज़्यादा है. इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर डर्मेटोलॉजिस्ट मजबूर है इसको प्रिस्क्राइब करने के लिए, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चलकर देखेंगे ये वर्कशॉप और देखेंगे कि डॉक्टर फजीला ने क्या इन्वेंट किया. आज हम पीसी में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एंटी एजिंग मेडिकल क्रीम्स के बारे में अवेयरनेस लॉन्च की है और इसमें जो हम स्पेशल एम्फेसिस या फोकस अपना डाल रहे हैं दैट इज ऑन द रेटिनॉइड्स या फिर रेटिनॉल्स के ऊपर. I feel very excited to be here at the launching event of the anti-aging miracle campaign. So the question is, can eternal youth be within our reach? Paying special emphasis and focus on the retinol, a promising anti-aging ingredient.